अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। कुछ दोस्तों की तरफ से ये पूछा गया कि साइप्रस जो है ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर तो है, लेकिन शेंजन स्टेट कब बनेगा, क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका है ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, इसके बाद इसने यूरो करेंसी भी अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये शेंजन स्टेट क्यों नहीं बन रहा, उसकी रीज़न क्या है, कब जो है वो तवक्को की जा सकती है कि साइप्रस जो है वो एक शेंजन स्टेट बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताता चलूँ कि 2004 में जो साइप्रस है उसने यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप ली और 2008 में इसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया। पहले यहाँ पे साइप्रस पाउंड चलता था, लेकिन 2008 में उसको तर्क कर दिया गया और यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया गया। और उनकी खुद जो साइप्रस पाउंड है करेंसी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग थी कि जो उनका तकरीबन 60 सेंट का जो पाउंड था वो एक यूरो बन जाता था, यानी कि इतनी ज़्यादा हाफ हाफ के करीब जो है वो स्ट्रॉन्ग था जो साइप्रस पाउंड है। इकोनॉमिकली काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, छोटा सा जजीरा नमा कंट्री है, असल में एक जजीरा है, उस पर तकरीबन आधे पे जो है वो तुर्कश उसको साइप्रस बोलते हैं और आधे को जो है ये ग्रीक साइप्रस बोलते हैं जो कि ये यूरोपीय यूनियन का मेम्बर है। तो इस वजह से कोई बहुत बड़ा ये जजीरा नमा मुल्क नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दोनों साइप्रस जो है इनके दरमियान जो बॉर्डर है वो आरजी बॉर्डर समझा जाता है, वहाँ पे क्रॉसिंग नॉर्मली इमिग्रेंट्स की हो जाती है, उधर से इधर लोग इंटर होते हैं और इधर से उधर इजीली इंटर होते हैं। तो इस वजह से एक बड़ी रीज़न जो बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि बॉर्डर का सही कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से शेंजन जो है वो स्टेट बनने में एक बड़ी रुकावट है। ओवरऑल इकोनॉमिकली और बाकी जो इसको टारगेट्स दिए गए थे वो इसने पूरे कर लिए हैं। असल में ये अफवाह थी और ये खबर थी कि जुलाई 2023 में साइप्रस को शेंजन का स्टेटस मिल जाएगा और उसकी तैयारी भी मुकम्मल थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसकी बड़ी रीज़न बॉर्डर का कंट्रोल ना होना है, और यही बताया जाता है कि बॉर्डर सही तौर पर साइप्रस के कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से इसको शेंजन स्टेटस अभी तक नहीं मिला, और आने वाले वक्त में भी हो सकता है कि जब तक ये सॉल्व ना हो तो ये स्टेटस ना मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।